अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स का नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद ASP.NET MVC। इस कोर्स में हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जिनमें फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेजेस आएंगी। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के लिए हम लोग HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery का इस्तेमाल करेंगे और बैक एंड लैंग्वेजेस के लिए हम लोग ASP.NET MVC 5 विद MS SQL सर्वर को इस्तेमाल करेंगे और अपनी एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। कोई भी एक प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कोई सॉफ्टवेयर हो, मल्टीनेशनल कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर हो, उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग बहुत सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इन हाउस एप्लीकेशन, यानी कि डिफरेंट कंपनीज की अपनी एक एप्लीकेशन होती हैं, वो डेवलप की जा सकती हैं। हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों करते हैं? बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि आपको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलेगा। बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स और बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ASP.NET MVC को प्रेफर करते हैं और अपने इन हाउस एप्लीकेशंस और अपने बहुत से सॉफ्टवेयर्स को इनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इस कोर्स के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि आखिर वो चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं और उनको कहाँ से हम लोग बना सकते हैं और कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम सुहेब अहमद चुगताई है। एजुकेशन में MPhil इन कंप्यूटर साइंस एंड ग्रेजुएशन में BS IT मैंने किया हुआ है। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की हुई हैं और उनसे सर्टिफाइड भी हूँ। तो सर्टिफिकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। ASP.NET MVC 5 की सर्टिफिकेशन की हुई है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट इन HTML 5 एंड CSS 3 की सर्टिफिकेशन की हुई है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हुई है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स डिज़ाइन की सर्टिफिकेशन की हुई है। उसके अलावा मैंने ऑटोकैड और डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशन की हुई है। तो एक्सपीरियंस में डिस्कस कर लेते हैं। 2013 से ऑनवर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके अंदर मैंने डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने पढ़ाया है। स्कूल्स में चूँकि मेरा बेसिक था, कॉलेज में मेरा थोड़ा मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और उसके बाद मैं एज अ IT मैनेजर रहा। उसके बाद मैं अब यूनिवर्सिटी में एज अ सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन UT लाहौर में जॉब भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं अपनी फील्ड में, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट जिनमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। एक रिसेंट प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ गैम्बिया के साथ, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गैम्बिया की फैकल्टी को पढ़ाया, ASP.NET कोर्स के बारे में बताया, करवाया और उनको कुछ सर्टिफिकेशंस करवाई नए अपने अदारे की तरफ से भी और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी करवाई। उसके अलावा मैंने पंजाब सेफ सिटी में भी एज अ कंसल्टेंट काम किया है। वहाँ पर भी उनके HRM सिस्टम और उनकी जो डेटाबेस है उनके ऊपर मैंने काफ़ी हद तक काम किया है उनकी ग्रिप। उसके अलावा मैं UET में मल्टीपल वेबसाइट्स, किक्स की वेबसाइट्स के ऊपर तकरीबन 100+ UET की वेबसाइट पोर्टल्स और 35 किक्स की वेबसाइट पोर्टल्स, इनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे सर्वर्स के बारे में भी एक अच्छा नॉलेज है और चूँकि हम लोग हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम लोग अपने इसको भी डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम लोग अपने किस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे एक सर्वर के ऊपर। तो डेवलप प्रोजेक्ट में इसके अलावा भी हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनमें CMMS बेस लेवल प्रोजेक्ट है। मैंने एक ये प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया तो उनके लिए मैंने डेवलप किया, इन हाउस एप्लीकेशन डेवलप की। उसके अलावा बहुत सी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप की हैं। उसके अलावा मैंने टेक्सटाइल मैनेजमेंट सिस्टम में काम किया है। उसके अलावा मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए हेल्थ क्लिनिक का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर 1 की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे,
इस लेक्चर में हम लोग एक तो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको पहले करवा दिया है, उसके बाद अब हम देखेंगे व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर, उसके बाद देखेंगे कोर्स प्रीरिक्विजिट्स, इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेजेस को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोड मैप के ऊपर, उसके बाद हम लोग एडिटर्स इंस्टॉल करेंगे कोई भी जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। तो आइए चलिए हम लोग अपने पहले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग इस लेक्चर में फुल स्टैक डेवलपर को देखते हैं, फुल स्टैक डेवलपर आखिर कौन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ फुल स्टैक डेवलपर कौन होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जिनको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, बैक एंड लैंग्वेजेस, सर्वर, इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको डीपली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात, फुल स्टैक डेवलपर को फ्रंट एंड और बैक एंड बोथ लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको वेरियस टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए और वो उसके बारे में वो अपडेट भी हो। उसके अलावा वेब एप्लीकेशन की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा इंटरफेस डिज़ाइन, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए और क्लाइंट साइड जो कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके बारे में नॉलेज हो कि यूज़र को क्या नज़र आ रहा है, और सर्वर साइड वो जो हमने यूज़र को दिखाना है, जाहिर सी बात है वो हमारी सर्वर से जाएगा, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी कन्फिग्रेशन, उसकी इंस्टॉलिंग, उसकी कन्फिग्रेशन और उसकी उसको लाइव करना, डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें एक फुल स्टैक डेवलपर को पता होनी चाहिए। उसके अलावा फुल स्टैक डेवलपर को डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, DBMS डेटाबेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, डेटाबेस की इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हैं फुल स्टैक डेवलपर के मेन पॉइंट्स। तो आइए हम लोग इस कोर्स में अपने कोर्स प्रीरिक्विजिट्स को देखते हैं। कोर्स प्रीरिक्विजिट्स में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके सिंटैक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस कोर्स के अंदर इसको कवर करेंगे और बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। उसके अलावा आपको HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में बेसिक क्या क्या होता है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। बेसिक स्किल इन HTML फॉर क्रिएटिंग वेब पेज स्ट्रक्चर्स, वेब पेज का स्ट्रक्चर जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो HTML की मदद से करेंगे, जाहिर सी बात है इस कोर्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ये वेब पेज में इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा JavaScript जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इसके बारे में पता होनी चाहिए ये क्या काम करती है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें अपने ये बैकएंड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वो प्रिंसिपल्स आएंगे जिनमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और अपने जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक C# या ASP.NET उनके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फैमिलियरिटी विद .NET फ्रेमवर्क, आपको .NET फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, क्यों बोला जाता है इनको फ्रेमवर्क, और इसके बारे में भी हमें कुछ बेसिक पता होने चाहिए। उसके अलावा फैमिलियरिटी विद .NET फ्रेमवर्क, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें फ्रेमवर्क और उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा डेटाबेस फंडामेंटल्स जिनमें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आ जाती हैं, और उसके अलावा कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं, करंट ऑपरेशंस आते हैं लाइक क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, इन चीज़ों को भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग डेटाबेस फंडामेंटल को भी देखेंगे। डेटाबेस फंडामेंटल में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए SQL सर्वर का फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है, और इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए इसके बेसिक वगैरह का। उसके अलावा हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग के अंदर क्या काम करेंगे, तो इसमें हम लोग अपने
कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिनमें क्रड ऑपरेशन आ जाते हैं, क्रड में क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इस तरह की चीज़ें हम लोग आगे चल के करेंगे इस कोर्स में। उसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप। तो जाहिर सी बात है हमें इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ पे हम लोग इसको अपने प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपने कोर्स का बाकायदा से आगाज कर देंगे। डेवलपमेंट टूल्स में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन कौन से हम लोगों ने टूल्स इंस्टॉल करने हैं और कौन कौन से टूल्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो शूटिंग के बारे में बताया गया है, तो पहले से मैं बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट व्यू स्टूडियो, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ साथ एमएस एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा हम लोग फ्रंट एंड लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग व्यू स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग व्यू स्टूडियो कोड से मूव करके तो व्यू स्टूडियो पे आ जाएंगे। तो पहले तो हम लोग अपना फ्रंट एंड सारा व्यू स्टूडियो के ऊपर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको व्यू स्टूडियो में अपनी जो बैकएंड लैंग्वेज होगी ASP.NET उसकी तरफ मूव करवा देंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में, जिनमें हम लोग HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript और React, और उसके अलावा Angular, ये भी React और Angular ये बेसिकली फ्रंट एंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ मजीद एडवांसमेंट में होती हैं। तो चूंकि हमारे इस कोर्स के अंदर हम लोग रिएक्ट और एंगुलर के साथ काम नहीं करेंगे, इस कोर्स में हम लोग HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript का इस्तेमाल करेंगे। तो HTML बेसिकली स्ट्रक्चर, इसका पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी कि आपको एक वेब पेज जो नज़र आ रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग HTML की मदद से तैयार करेंगे। फीचर्स में देख लेते हैं क्या है। डिफाइन द फीचर्स ऑफ वेब पेज यूजिंग टैग्स, हम लोग इस पेज को टैग्स की मदद से तैयार करेंगे। HTML के कुछ टैग्स होते हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने पेज को तैयार करेंगे। एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, फॉर्म्स। उसके बाद चलते हैं CSS की तरफ। CSS स्टाइलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका पर्पस। उसके अलावा इसके फीचर्स क्या आएंगे, कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट्स, जो HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपीयरेंस को कंट्रोल करेंगे, उनमें स्टाइल को छोटा करना, साइज को छोटा करना, साइज को बड़ा करना। उसके अलावा पैराग्राफ की रोटेशन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, उसके बाद इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करें, उसका कलर चेंज करना, उनके फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, उनका लेआउट चेंज करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग CSS के अंदर करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया हुआ है, कंट्रोल कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चलते हैं Bootstrap की तरफ। Bootstrap में हम लोग अपने पेज को, पहली बात तो Bootstrap का जो पर्पज़ है वो क्या होगा, पेज को रिस्पॉन्सिव करना और उसको स्टाइल देना। रिस्पॉन्सिव का मतलब आपका एक वेब पेज जिसको हम लोग आपके लैपटॉप के अलावा बाकी कहीं भी अगर वो पेज ओपन हो तो वो रिस्पॉन्सिव नज़र आए। लाइक आपके अगर वही वेबसाइट का जो पेज जो आपने अपने लैपटॉप पे डेवलप किया है, वो जब पेज जब आप लोग एक साइट को डिप्लॉय कर देते हैं तो उसके बाद जब कोई यूज़र आपके मोबाइल आपकी वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन करे तो और देखे तो आपका पेज वहाँ पे उसको उसके मुताबिक उसकी मोबाइल की डिवाइस के मुताबिक रिस्पॉन्सिव नज़र आना चाहिए। तो इस तरह के काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Bootstrap का सहारा लेंगे। ये था Bootstrap का पर्पस। उसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ HTML पेजेस, यानी कि ये हमारे पेजेस को, जितने भी HTML के पेजेस हैं उनको रिस्पॉन्सिव करेगा। हम अपने पेजेस को Bootstrap की मदद से तैयार करेंगे जो कि हमारे पेजेस को रिस्पॉन्सिव कर देगा, जो कि सब डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका वेब पेज। तो Bootstrap के बाद हम लोग देखते हैं JavaScript को। JavaScript इंट्रा एक्टिविटी, यानी से इसे मुराद है कि यूज़र की अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, JavaScript का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल्स इसके कुछ फीचर्स होंगे, एड्स, डायनेमिक बिहेवियर एंड इंटरएक्टिविटी टू वेब पेजेस। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जब से ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट पे आकर कोई फॉर्म
एंटर करता है और जैसे ही उसको सबमिट करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त फौरन से रिस्पॉन्स आता है कि यू हैव एंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड इंफॉर्मेशन, सो प्लीज़ फिल्ड ऑल द फील्ड्स। इस तरह के मैसेजेस जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग शो करवाते हैं और दिखाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग, वैलिडेशंस, फॉर्म वैलिडेशंस पढ़ेंगे, डायनामिक कंटेंट अपडेट्स यानी कि डायनामिक तरीके से कंटेंट को अपडेट कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसी तरह हम लोग चलते हैं बैकएंड लैंग्वेज, चूँकि हम लोग कोर्स कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC का कोर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पर बताता चलूँ माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहले लैंग्वेज आई C#। सी शार्प के बाद उन्होंने एक फ्रेमवर्क निकाला ASP.NET MVC। हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा MVC एक फ्रेमवर्क है .NET का। इसके फीचर्स इसमें आप लोग बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे ये हमें एक मॉडर्न अलाउ करता है कि आप एक कोई भी एक मॉडर्न एप्लीकेशन बना सकते हैं क्लाउड बेस, और वो क्लाउड बेस एप्लीकेशन आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स में क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हाई परफॉर्मेंस है, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी तरह कुछ बैकेंड में और भी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे लारावेल है, ये भी वेब फ्रेमवर्क है, PHP का एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह ये भी PHP की एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बेसिकली MVC। इसकी भी जो एग्जांपल्स है उसमें ये MVC आर्किटेक्चर है, ORM और राउटिंग, इन चीज़ों को हम लोग लारावेल में इस्तेमाल करते हैं। तो लारावेल को हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, चूँकि हमारा कोर्स का जो मेन एजेंडा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC। तो अब चलते हैं SQL डेटाबेसिस का इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसका पर्पज़ क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को फेच करना, और उसके अलावा डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स यानी कि टेबल्स की सूरत में स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूजिंग टेबल्स, यानी कि डेटा को मैनेज करना, टेबल्स और स्टोर करना और उसके बाद उसको मैनेज करना टेबल्स की सूरत में। इसमें बहुत सी आ जाती हैं, जैसे MySQL आ जाते हैं, PostgreSQL आ जाता है, SQLite आ जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को। चलिए हम लोग बताते हैं आपको रोड मैप के बारे में, MVC का रोड मैप क्या होता है। सबसे पहले तो ASP.NET MVC डायनेमिक है, स्केलेबल है, सिक्योर वेब एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसका MVC डिज़ाइन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर बहुत सिंपल है। मॉडल बेसिकली हमारी डेटाबेस होगी, व्यू हमारा जो हम यूज़र के लिए एक पेज तैयार करेंगे उसको हम लोग व्यू बोलेंगे, जैसे आपकी एक वेबसाइट है वो व्यू होगा उसका यूज़र का। और कंट्रोलर ये बेसिकली एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, कोई भी कंडीशंस लगाने के लिए, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के इस्तेमाल के लिए हम लोग कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है मॉडल, मैंने आपको बता दिया मॉडल मैनेज डाटा बिजनेस लॉजिक्स और व्यू डिस्प्ले डाटा यूजर इंटरेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोलर हैंडल इनपुट्स, अपडेट मॉडल्स, रिटर्न व्यू, इन चीज़ों के लिए हम लोग कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उसके बाद क्लीन कोड आर्किटेक्चर, मेंटेनेबल, टेस्टेबल, एक्सटेंडेबल एप्लीकेशन, ये चीज़ें हम लोग, ये हमारा रोड मैप होगा जो कि ASP.NET का जिस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो अब हम लोग अपने एडिटर्स की तरफ चलते हैं। एडिटर्स में हम लोग व्यू स्टूडियो कोड, सबलाइम, एटम, नोटपैड प्लस प्लस, ये मल्टीपल ब्लू फिश, आपको मल्टीपल एडिटर्स नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में व्यू स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में HTML CSS को भी इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग मज़ीद फर्दर अपने प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर लेक्चर्स का हमारा आगाज़ हो जाएगा, और प्रॉपर आपको इस लेक्चर की स्लाइड भी मिलती रहेंगी, और जो जो हम लोग डेली बेसिस पे काम करेंगे उसकी पहले आपको एक शॉर्ट सी समरी बताई जाएगी, उसके बाद आप लोग
उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे, इस कोर्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।